सोलन में आवारा कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन कुत्तों की समस्या को लेकर नगर निगम में पहले कई अभियान चलाए थे, कई बार स्टरिलाइजेशन का काम भी किया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आज तक सोलन में इनके लिए कोई शरण स्थली भी प्रशासन ने नहीं बनाई है, जिसकी वजह से ये कुत्ते सड़कों पर घूमते पाए जाते हैं। ज्यादातर ये कुत्ते शांत रहते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते इतने आक्रामक हो गए हैं कि आने वाले लोगों पर ये हमला भी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के भीतर कई लोग कुत्तों के काटने से गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। शहरवासियों ने कुत्तों की समस्या को लेकर जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि आवारा कुत्तों के लिए कोई शरण स्थली बनाई जाए जहां ये आराम कर सकें। उन्होंने कहा कि कई बार इनका स्टरिलाइजेशन भी किया गया है, लेकिन ये अभियान भी सफल होता दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की वजह से लोग रात को घरों से निकलने से डरते हैं, रात को ये राहगीरों पर हमला कर रहे हैं, आते जाते दोपहिया वाहनों के पीछे भागते हैं, जिस कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। ये समस्या अधिक गंभीर ना हो इनके लिए शरण स्थली बनाना अति आवश्यक है, अन्यथा कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 10-12 दिन पहले मेरी बड़े भाभी को डॉग बाइट बहुत भयंकर तरीके से, अभी उनके बहुत बुरे हाल है, और एक यहाँ खुंडीधार में बस यही है प्रशासन से मेरी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंतक है कुत्तों का। अगर आप कूटना नाला देखें, आप ये मेरे तहसील के पास खुंडीधार शांति, और मैं तो कई बार देखता हूँ तो बाइक के पीछे दौड़ते हैं, रात को चलना बहुत मुश्किल हो गया, डर के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अपनी भाभी की हालत देख के तो मेरे को बहुत ही दुख हुआ, उनको भी 13-14 इंजेक्शन लग चुके हैं और फिर उनके पस पड़ी हुई है। तो आज मजबूरी में मेरे को प्रशासन से, हमारे सोलन की मेयर से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि प्लीज़, अभी बहुत छोटी समस्या है, ये धीरे धीरे बहुत बढ़ जाएगी। एक्चुअली कोरोना काल में ट्रैफिक, लोग नहीं चल रहे रोड पर, तो इस वजह से कुत्ते सारे इकट्ठे जाते हैं रात को, और वो भोजन के चक्कर में रोड पे आते हैं, और उनके ग्रुप हैं 10-10, 15-15 कुत्तों के ग्रुप हैं, कभी छत पे पूरी रात चिल्लाते रहते हैं। हमारे इधर पटराड़ बहुत बुरा, बच्चों को घर से बाहर निकालना इतना मुश्किल हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ इन डॉग्स के बारे में कुछ सोचा जाए, रात को चलना, कभी एमरजेंसी में भी मेरे एडमिट था हॉस्पिटल में, तो फिर 5-7 दिन मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, रात को आता था तो डर के मारे डंडे लेके चलना पड़ता है, इतने बुरे हालत है। किसी दिन कोई बड़ा हादसा होगा तब प्रशासन जागेगा, तो इस बारे में मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ सोलन की जनता से भी गुजारिश है, थोड़े से अवेयर रहें, कुत्तों से सावधान रहें। 3 लोगों के तो एपिसोड अभी 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ 3 लोगों को तो काट चुके हैं, लेबर वालों को काटते हैं। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि इनकी स्टरिलाइजेशन करवाई जाए, ताकि आवारा कुत्तों की ब्रीड थोड़ी कम हो जाए, इनकी आबादी कम हो। और देखिए, बाज़ारों में जैसे कुत्ते 10-10, 15-15 बैठे होते हैं, हर नुक्कड़ हर नाके पे जगह जगह बैठे होते हैं, कई जगह दुकानों के बाहर भी बैठे होते हैं, तो जैसे रात को कोई फैमिली आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, तो उनको काफ़ी डर लगता है, ये बाइक स्कूटर के भी पीछे भागते हैं। तो हमारा कमेटी से, सरकार से अनुरोध है कि इन्हें बिल्कुल एक सेफ जगह ले जाया जाए, इनके लिए कोई शेल्टर वगैरह कुछ बनाया जाए, इन्हें प्रॉपर जहाँ पे देख रेख हो।